देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। एक बार जंगल में एक शेर का बच्चा अपने कुनबे से बिछड़ गया और बिछड़ करके वह लोमड़ियों के झुंड में जा मिला। स्वाभाविक रूप से जैसे सायंकाल होता था लोमड़ियां चिल्लाने लगती थी। वो बच्चा कुछ दिन देखा, उसके बाद वह भी उनके साथ वही सीख गया। एक बार अचानक एक शेर ने लोमड़ियों के उस झुंड पर हमला किया तो उसने देखा कि भाई इसमें तो हमारी बिरादरी का भी एक व्यक्ति है, एक जीव है। तो अचंभित था, इसका आचरण भी लोमड़ियों की तरह था। उसे अपने साथ लेके चला गया। लेकिन जब जंगल में शिकार करने की बात आती, जो इस शेर का बच्चा था जो लोमड़ियों के बीच में रह गया था तो वह शिकार करने में तो अक्षम था। जैसे सायंकाल होता था वह फिर अपना मुंह ऊपर करके लोमड़ियों की तरह चिल्लाने की दृष्टि से खड़ा हो पड़ता था। उसके झुंड के अन्य शेर बोलते थे कि हमला करना है तो वह डरता था, भागता था कि कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए तो उसी से अपनी छुता को शांत कर लो। जब उसे एक बार एहसास कराया झुंड ने कि बेटा तू लोमड़ी का बच्चा नहीं है, तो शेर का बच्चा है, झपट अपने शिकार पर। एक बार दो बार उसको जैसे इस बात का एहसास कराया कि तू लोमड़ी नहीं तो शेर का बच्चा है, तो वह भी एक सामान्य शेर की तरह अपना शिकार स्वतः करता हुआ दिखाई दिया। और मुझे लगता है हर भारतवासी के मन में यह भाव पैदा करने की आवश्यकता है। ये भाव और उस योजक के रूप में आपकी भूमिका, जो लोग हमें कमजोर करना चाहते हैं, इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, उन्होंने जाति का सहारा लिया, उन्होंने क्षेत्र और भाषा का सहारा लिया, उन्होंने मत और मजहब का सहारा लिया। जो लोग कहते थे, बड़ी बड़ी भक्तियां देते थे, बहुत बार बोलते थे, अभी पिछले 6 महीने के अंदर 2 बड़ी घटनाएं घटित हुई। लोग कहते थे कश्मीर से धारा 370 हटे के तो ये हो जाएगा, अरे तिनका नहीं हिला। और सचमुच ये 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहला छात्र संगठन है जिसने कश्मीर की धारा 370 के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया था। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना आतंकवाद के इस विष बेल को हमेशा के लिए समाप्त कर देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्र प्रेम की इस उत्कंठ भावना को प्रदर्शित करता है। मैं इन दोनों महापुरुषों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक प्रतिनिधि से इस बात की अपील भी करता हूं। हम देश के अंदर इस बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्या देश की कीमत पर राजनीति इस देश के अंदर होनी चाहिए या फिर दल से बड़ा देश है और ये मोदी जी ने करके दिखा दिया है।